हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू पेपर एक्स 2022 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंस ऑन पेपर पल्प एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। और स्वागत है आपका। और आज आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो बनाते हैं वॉल्व, डिफरेंट टाइप के वॉल्स बनाते हैं, और किस किस इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होने वाले हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, और कंपनी के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं सर जी, और इन्हीं से आपको मिलवाने वाला हूँ। अगर आप इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्टेड हो या इस टाइप की मशीन्स की आपको ज़रूरत है, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं नया वीडियो। हेलो सर, कैसे हो? हाय, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम मनोज मिश्रा, मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। एंड वी आर ए 13-year-old कंपनी। वी आर डीलिंग विथ मोस्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल वॉल्व। और ये इट्स बेसिकली दिस इज़ अवर फर्स्ट अपेयरेंस इन पेपर एक्स। सीम्स टू बी ए वेरी गुड शो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेपर एक्स इस तरीके का शो है जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे हम केटर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ग्लोब कंट्रोल वॉल्व, जो कि हमारा काफ़ी बड़ा रेंज इसके अंदर हम कवर करते हैं। हमारे पास लीनियर एक्चुएटेड रोटरी वाल्स हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्स आप देख सकते हैं सीरीज में लगे हुए हैं। आप अगर आप अंदर आकर के देख सकें, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ग्लोब टाइप में ही काफ़ी वेरिएशन है, जिसमें आप कॉम्पैक्ट वाल भी देख सकते हैं, जैकेटेड वाल भी देख सकते हैं। ये नॉट ओनली विथ पेपर, बट ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, आपका सीमेंट प्लांट हो जाते हैं, पावर सेक्टर्स हो गए, रिफाइनरीज हो गई, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गए। तो हम लोग काफ़ी जगह पर काफ़ी इंडस्ट्रीज में हम केटर कर रहे हैं। वी आर बेसिकली बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। हमारी फैक्ट्री यूनिफ्लो कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड इज लोकेटेड इन ठाणे, वेयर वी हैव गॉट मोर देन 75 पीपल आर वर्किंग, एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रोफाइल से आते हैं, और काफ़ी यंग टीम है हमारी, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हमने 13 साल में एक तरीके से बोला जाए तो हमने काफ़ी अच्छी जर्नी कवर की है, जहाँ पे हम एक इंडियन कंपनी होते हुए भी नाउ वी आर वन ऑफ द अप्रूव्ड वेंडर इन एडनॉक, विच इज़ नथिंग बट अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन में हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो अप्रूव्ड है, और हमको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिला है। लोग हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज का कोई मैन्युफैक्चरर जो यूरोपियन, बट हम एक एज ए इंडियन कंपनी मैं बहुत ही प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि हम हिंदुस्तान में बहुत अपना नाम करना चाहते हैं अच्छे प्रोडक्ट के साथ में, और हम अपने यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंडिया आज पूरे ग्लोबली एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, जहाँ पे लोग बाहर से हमारे मार्केट को देख रहे हैं, और हम लोग चाइना और यूएस और यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से कम्पीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे जैसे एंटरप्रेनर आप सभी लोग बने, और हमने बहुत जगह पर काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, जो पहले बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी, हमने इंडिया में बना करके उनको काफ़ी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट हमने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया है। तो हम चाहते हैं कि इस यूनिफ्लो कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड को सभी लोग एक तरीके से देखें, और एक अच्छी उभरती हुई कंपनी है। आई एम नॉट टेलिंग एज ए MD ऑफ दिस कंपनी, बट मैंने देखा लोगों ने हमको हाथों हाथ लिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक कंपनी में काफ़ी एनर्जी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, काफ़ी क्रिटिकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे कंपनी के साथ में जुड़ेंगे। और मैं पेपर एक्स में आकर के बहुत खुश हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी मैं थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर ये जो सारे प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के अंदर आपकी इन हाउस डिजाइनिंग है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग एज ए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, आप जैसा बोलेंगे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और हमने यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हमने देखे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जितने भी फॉरेन की, यूएस की हो या यूरोपियन बॉडी हो या कहीं के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमको एक अलग तरीके से देखते हैं। तो मैं काफ़ी बड़े बड़े, मैं काफ़ी अच्छे जगह पे प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर चुका हूँ, जहाँ पे अब मैंने बर्लिन में शो किया है, हमने दुबई में, अबू धाबी में, पोलैंड में, हमने काफ़ी जगह हमने शो किया, और लोगों ने हमको एज ए मेड इन इंडिया ऑल्सो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो लेट मी टेल यू, वी आर ए वेरी इमर्जिंग एंड पावर हाउस कंपनी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड ऑफ आप इंटरव्यू दे रहे। मैं इंटरव्यू देता नहीं हूँ। आप काफ़ी अच्छे से आपने कंपनी के बारे में, और जैसे आप बता रहे कि एनर्जी आपने मेन फोकस किया कि हमारे कंपनी में काफ़ी एनर्जी है, तो वो दिख रहा है सर आप में। तो जैसे ये जो प्रोडक्ट है, ये तो हर इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, हर मशीनरीज की ज़रूरत है,
तो इसमें क्या रेंज होता है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में और खासियत बता सकते हैं? जैसे मैं बताऊंगा, जैसे ये एक ग्लोब वॉल है। हाँ जी, ये ग्लोब कंट्रोल वाला है। ये एक्चुअली दिस इज यू कैन से ये प्रिसिशन, जहाँ पे एकदम प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, मोस्ट क्रिटिकल एरिया जहाँ पे हम ग्लोब वॉल, ये हम लोग हाफ इंच से लेकर के 20 इंच तक के वाल बनाते हैं। ये डिस्प्ले में वैसे हमने 10 इंच का वाल दिया है। बेस्ड ऑन द प्रेशर रेटिंग, टेम्परेचर रेटिंग, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन अपग्रेडिंग विद द रेटिंग, और आप अकॉर्डिंगली जो भी आपके फ्लूइड्स हैं, डिपेंड्स ऑन डैट हम साइज करते हैं, और वो बेसिस ऑफ दैट हमारी मेटलर्जी चेंज होती रहती है। जैसे कास्ट स्टील है, हम इसमें SS के भी वाल देते हैं, अलॉय 20 के भी वाल देते हैं, हेस्ट्रोलाइसी के, तो बहुत सारे एग्जॉटिक मटेरियल हैं हम उसमें आप मतलब देते हैं। वैसे तो मेनली मैक्सिमम जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कौन सी मटेरियल आप यूज़ करते हैं? एक्चुअली मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप वाटर बोल दीजिए या एयर बोल दीजिए, तो वहाँ पे कास्ट स्टील यूज़ होता है। अगर मान लीजिए उसमें कुछ एसिडिक मीडिया आ गया, तो आप वहाँ पे प्योर SS316 में आप वाल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी वेराइटी है। ये एक्चुअली देखा जाए तो हम पेपर एक्स में आए हुए हैं, तो ये एक विनोज बॉल वॉल जिसको बोला जाता है, ये एक्चुअली पल्प एंड पेपर के लिए, ये पेपर एक्स के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने ये शोकेस किया हुआ है। इसमें हम 1 इंच से लेकर के 10 इंच तक के वाल सप्लाई करते हैं। ये 6 इंच के वाल है, टेफ्लॉन सीटेड वाल है। फिर आगे आप वेराइटी में देखेंगे तो हमारे पास विनोज बॉल वॉल मेटल सीटेड है, PFA लाइन बॉल वॉल्स हैं। तो अलग अलग सीरीज? जी जी बिल्कुल, अलग अलग सीरीज है। ये सारे हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं, तो आवर डिपेंडेंसी इज वेरी लेस। तो हम सारे एक्चुएटर भी हम बना रहे हैं, मतलब सारे इनहाउस प्रोडक्ट हैं, तो एक थोड़ा हमारे साथ में एक एडवांटेज है। तो हाँ, ये तो है एडवांटेज। और अभी हर कोई जो भी इंडियंस है तो वो तो प्रमोट कर रहे हैं भाई मेक इन इंडिया होने चाहिए, हमारे देश का कंपनी है, और आप अपने देश को और भी विदेशों में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो हमारे लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इसके अलावा और भी क्या बनाते हैं? इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे पास वैरायटी में अगर आप देखेंगे तो प्लग वाल भी हैं, कुछ मिक्सिंग ग्लोब थ्रीवे मिक्सिंग एंड डाइवर्टिंग एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर अगर आप अंदर की तरफ आएँ और आप देखें तो ये हम लोग क्रायोजेनिक वाल बना रहे हैं, जो कि -196 डिग्रीज लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड नाइट्रोजन पे यूज़ होता है। ये काफ़ी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक और प्रोडक्ट है, फ्लश बॉटम वॉल, जो वेसल डिस्चार्ज वॉल आप इसको बोल सकते हैं। बॉटम रिएक्टर्स में ये वाल लगते हैं, थोड़ा स्पेशल है प्रोडक्ट ये भी। वी गॉट वेराइटी ऑफ वॉल्स। ये तो है कि रेंजेस काफ़ी है, वेराइटीज़ काफ़ी है, और जैसे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी जो लुकिंग भी है, लुकिंग एंड जो फिनिशिंग है और कलरिंग का, वो भी काफ़ी कमाल का है। ये थोड़ा सा ये मैं आप अगर देखें तो लाल रंग है ना, मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, और इस लाल रंग के वजह से शायद हम लोग दिखते भी हैं आपको हर जगह, लाल मतलब बंदा रुक जाएगा आपको देखने के लिए। तो ये एक थोड़ा मेरा एक पसंदीदा कलर है, ये कलर मतलब हमने इन्वेंट किया, ये जर्मन रेड कलर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट का, हमारे थीम का, हमारी ब्रांड का कलर है, तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ ये कलर। मतलब हमने लोगों ने काफ़ी लोग हमको फॉलो भी कर रहे हैं लोग। सर मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो मार्केटिंग है और ये जो आपने ये हर एक प्रोडक्ट को एक ऐसा लुक दिया है कि कोई भी अगर जाते हुए बंदा है तो वो रुक जाएगी, के बाद देखेगी वह क्या चीज़ है। तो लाल रंग उसी चीज़ का प्रतीक है मेरे ख्याल से। आप अगर आप चलते हैं मार्केट में, आप ना गाड़ी चला रहे हैं तो लाल रंग देखते ही आप रुक जाओगे, तो शायद वो भी एक रीज़न है कि लोग देखते होंगे उस तरीके से। हाँ जी, तो ये तो रही कि सर प्रोडक्ट की बात, जैसे आप बिजनेस कैसे करते हैं? वैसे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पेपर एक्स का मैं शो कर रहा हूँ। इसके अलावा हम मेजर हमारे क्या है कि हमारे पैन इंडिया लेवल पे हमारे मतलब वी हैव गॉट द कस्टमर ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, तो हमारा वी आर बेसिकली वी गॉट द सेल्स टीम सिट्स इन HO, डैट इज़ नथिंग बट इन नवी मुंबई, जहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा टीम वहाँ पे बैठता है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है। इसके अलावा वी हैव गॉट ऑफिस इन बड़ोड़ा ऑल्सो इन गुजरात, और फिर हम चेन्नई में रिप्रेजेंटेशन है, पूना में रिप्रेजेंटेशन है, कोलकाता में रिप्रेजेंटेशन है, तो काफ़ी जगह पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं एज ए सेल्स टीम। सेल्स फोर्स काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा फिर हम अब्रॉड में हम लोग काफ़ी शो कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशंस करते हैं, तो वहाँ से भी हमको बहुत तरीके की इंक्वायरी जनरेट होती है। फिर एक आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गया है, फेसबुक और लिंक्डइन, जिसके थ्रू हम अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो
पता अच्छा है। ये है कि जो भी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग का आपने हर जगह पकड़ रखा है कि भाई कहाँ से भी आप कस्टमर हमारे पास आना चाहिए। और सर जैसे सर्विस एंड इंस्टॉलेशन की बात करें तो उस क्या रहता है सर? हमारे पास ऐसा है कि सर्विस के लिए अलग से टीम है, जो एक डेडिकेटेड टीम जिसको बोला जाता है जो सर्विस को टेक केयर करती है। सपोज मान लीजिए इसी नॉर्दर्न बेल्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वी हैव गॉट ए काइंड ऑफ यू नो एक हमने एक ईमेल क्रिएट किया हुआ complaints@uniflo.in, तो कोई भी कस्टमर वहाँ पे जा करके उस कंप्लेंट में जा करके ये कंप्लेंट मतलब वो भेजते हैं, हम उसको ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद में देन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पिक्चर में आता है, फिर उसको इवॉल्यूएट करता है एंड देन जो भी रिलेटेड सेल्स का जो बंदा है वो या तो वहाँ पे जा करके विजिट करेगा, फिजिकली चेक करता है, अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट हमारे क्वालिटी टीम को देता है। देन वी यू नो हम एक सर्विस का अपना इंजीनियर हम उसको डिप्यूट करते हैं एंड वी गिव द सर्विस। एंड प्लस इसके अलावा कभी कभी बाय प्रोवाइडिंग ओनली नॉर्मल स्पेयर्स ऑल्सो दैट प्रॉब्लम कैन बी यू नो सॉल्व, तो हम लोग स्पेयर्स का भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उनको कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं। और सर जैसे अगर देखिए वारंटी की, वारंटी क्या रहते हैं सर? हमारा 12 से 18 महीने का मिनिमम गारंटी वारंटी होती है, बट टचवुड मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा हमारे पूरे साल में 14 कंप्लेंट आई गिन के। अच्छा। और जो कि बहुत ही हमारे जैसे जो क्रिटिकल लेवल पे हम काम कर रहे हैं बहुत ही मिनिमम है, विच इट डेफिनेटली इट्स ए वेरी सेटिस्फैक्ट्री फिगर। तो 14 कंप्लेंट हैंडल करना बहुत आसान है, अगर ये कंप्लेंट आपका 140 होता तो आप कंप्लेंट हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता, मतलब रेयर केसेस हैं। कुछ कुछ होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट वी रियली टेक केयर ऑफ अवर कस्टमर इन ए वेरी बिग मैनर। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम सेल्स कर रहे हैं वैसे सर्विस को भी हम उसी तरीके का वैल्यू देते हैं, तो कस्टमर हमारे से जो जुड़ता है वो कभी हमको छोड़ता नहीं है। अच्छा। तो दिस इज काइंड ऑफ यू नो वी हैव गॉट वेरी गुड। तो सर अभी आप अपना जो बिजनेस कार्ड है वो शो कर सकते हैं? हाँ जी। तो ये रहा सारा डिटेल्स, यहाँ पर वेबसाइट दिए गए हैं, मेल्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आपको इस टाइप की मशीनरीज की ज़रूरत है, आप इंडस्ट्रीज़ में सेटअप करना चाह रहे हैं और कई सारी इंडस्ट्री हर इंडस्ट्रीज़ की ये तो बेसिक ज़रूरत है, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने जैसा देखा कि काफ़ी एनर्जी है और प्रोडक्ट भी काफ़ी कमाल का है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर एट लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड कंपनी के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं यही चाहता हूँ कि जो भी काम करें उसमें ईमानदारी बिल्कुल होनी चाहिए, किसी कस्टमर को आप कभी झूठ नहीं बोलिए, और आप जितना पैशन के साथ में आप कर रहे हो आप पैशन को मेंटेन कीजिए, ट्राई एंड यू नो गुड बेस्ट ऑफ द थिंग्स टू अवर कस्टमर। और हम चाहते हैं कि एज ए मेक इन इंडिया, आजकल मोदी जी ने जो मंत्र रखा हुआ है मेक इन इंडिया का, मैं चाहता हूँ कि लोग उसी पे चलें और हिंदुस्तान का जो ब्रांड है उसको हम आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, और बहुत आगे हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसी मार्ग पे चलें। जी चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।